यमुनानगर के जगाधरी स्थित गौशाला ग्राउंड में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और यूपी के पहलवानों के बीच एक दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। अखाड़े में विजेता पहलवान को 1,00,000 रुपये नकद इनाम से सम्मानित किया जाएगा। वहीं दंगल को देखने के लिए लोग मैदान से लेकर छतों पर बैठकर खेल का आनंद ले रहे हैं। आयोजकों की माने तो यह खेल युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए किया जाता है। हालांकि इस खेल के लिए उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिलती, बल्कि यह लोग आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा कर हर साल शिवरात्रि पर दंगल का आयोजन करवाते हैं। यहाँ पर देश के विभिन्न जिलों से, हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से, हिमाचल से, इवन यहाँ तक कि नेपाल तक से पहलवान आए हुए हैं। और यहाँ पर पहलवानों को पूरा सम्मान, इज्जत, मान सम्मान दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ के लोग इस दंगल के देखकर कितने खुश हैं। ये शिवरात्रि के उपलक्ष में करवाया जाने वाला दंगल भाई आए साल करवाया जाता है। रॉकी पहलवान जी की तरफ से आए साल करवाया जाता है। और ये भाई रॉकी जी की मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो ये इस दंगल की प्रतियोगिता को हर साल करवाते हैं। और मैं तन मन धन से अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनसे यही उम्मीद करता हूँ कि ये हर साल दंगल करवाएं और हम बढ़ चढ़ कर अपनी पार्टी की तरफ से इनका साथ देंगे। ये दंगल की राशि ये 1,00,000 रुपये तक रखी गई है। जीतने वाले जो यहाँ के पहलवान हैं उन्हें 1,00,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। दंगल हर साल कराते हैं शिवरात्रि के मौके पर। तो पंजाब, यूपी, हिमाचल सब जगह स्टेटों से पहलवान आते हैं। तो यहाँ पब्लिक भी बहुत साथ देती है। हर शिवरात्रि पब्लिक, शहर की पब्लिक संजोग करती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संजोग देती है। ये 18वां दंगल है हमारा शिवरात्रि का। पब्लिक की ओर से होता है सारा। पब्लिक हमारे को चंदा देती है, हम इकट्ठा करते हैं, उससे पहलवान दूर दूर से बुलाए जाते हैं। पंजाब, अमृतसर, हर स्टेट से, दिल्ली के, नेपाल के, अमृतसर के, लुधियाना, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और जमुनानगर एरिया में, सारे स्टेटों से आते हैं पहलवान।